तो अब हम करेंगे बेड मेकिंग प्रोसीजर। बेड मेकिंग प्रोसीजर जो होता है वो एक स्टराइल प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर को करने के लिए ग्लव्स पहनना इज कंपल्सरी। सो बेड मेकिंग करने के लिए दो तरीके के बेड होते हैं, ओपन बेड होता है और ऑक्यूपाइड बेड होता है। ओपन बेड इज द बेड जिसमें कोई पेशेंट नहीं होता, और ऑक्यूपाइड बेड वो बेड होता है जिसमें पेशेंट है। अभी इस बेड में पेशेंट है तो ये बेड ऑक्यूपाइड बेड है। इस बेड की बेड मेकिंग अलग तरीके से करी जाती है। इसके लिए तो पहले आपको जितना भी लिनन है वो सारा लिनन निकालना होगा और नया लिनन लगाना होगा, नई बेडशीट लगानी होगी। बेडशीट लगाने के लिए आपको सबसे पहले बेडशीट लेनी है और बेडशीट के फोल्ड खोलने हैं लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई में। पेशेंट ने अगर टॉप शीट ले रखी है तो उसकी टॉप शीट को हटा दीजिए। उसके बाद जैसे मैंने बोला, अपनी बेडशीट को लॉन्गिट्यूडनली खोलिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद अपनी बेडशीट को डबल, जितने भी लेयर हैं उस लेयर को सिंगल लेयर करके लंबाई में से खोल दीजिए। इसके बाद आपको जितनी बेडशीट अंदर टक करने के लिए चाहिए उसको रख लीजिए बाहर अपने पास, और जितनी बेडशीट आपको पेशेंट के अंडर दूसरी साइड चाहिए उसको आप फ्लैट करके रोल कर दीजिए कुछ इस तरीके से। मेक श्योर कि आपका जो बेड है वो रिंकल फ्री हो, बेड में ज़्यादा रिंकल्स ना हो। अब क्योंकि मेरा पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है तो मैं इस बेडशीट को उधर ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी? इसको ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे अपने पेशेंट को लेटरल पोजीशन देनी होगी। बेड मेकिंग इज़ अ प्रोसीजर जहाँ पे आपको दो असिस्टेंट्स की ज़रूरत होगी। मेरे साथ यहाँ पे एक और असिस्टेंट है। इनका काम होगा बेसिकली कि ये दूसरी साइड से पेशेंट को होल्ड करेंगे। अगर आपके पास कोई असिस्टेंट नहीं है या असिस्टेंट ऑक्यूपाइड है तो यहाँ पे आप फैमिली के अटेंडर को भी बोल सकते हैं कि वो पेशेंट को पकड़े। सो अब हम पेशेंट को लेटरल पोजीशन देंगे। पेशेंट को लेटरल पोजीशन देने के बाद दूसरे असिस्टेंट का काम होगा कि उसको हेड से और उसके नी के पीछे से उसे सपोर्ट करे ताकि वो पेशेंट नीचे ना गिरे। उसके बाद मैं इस पिल्लो को निकाल दूंगी फॉर सम टाइम और इस बेडशीट को नीचे पूरी तरीके से खोल दूंगी। दूसरी साइड तक जितना मैक्सिमम एक्सटेंट तक मैं पहुंचा सकती हूं इसको वहां तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद पेशेंट को स्ट्रेट करा जाएगा और पेशेंट को अब अपोजिट साइड की पोजीशन दी जाएगी। सो पेशेंट को मैंने होल्ड कर लिया है। अब दूसरे असिस्टेंट का काम है कि वो इस बेडशीट को स्प्रेड कर दे। जैसे जैसे वो बेडशीट स्प्रेड करेगा आप अपने पेशेंट को वापस नॉर्मल पोजीशन में ला सकते हैं। इसके बाद आप अपने पेशेंट के सर के नीचे वापस पिलो लगाइए। वंस आप ये पिलो लगाएंगे इसके बाद आपका काम होगा इस बेडशीट को बेड के अंदर टक करने का। बेड के अंदर टक करने के लिए हमें मिटन कॉर्नर बनाना होगा। मेक श्योर कि जब भी आप बेड टक करें बेड टक हमेशा हेड साइड से करें। तो सबसे पहले मिटन कॉर्नर हेड साइड पे बनेगा। मिटन कॉर्नर बनाने के लिए हेड एंड को अच्छे से टक कीजिए। यहाँ पे 45 डिग्री का एक एंगल बनाइए कुछ इस तरीके से। आपको ऐसे कुछ ट्रायंगल में एक बेडशीट मिलेगी। नाउ अब इस बेडशीट को अच्छे से अंदर की तरफ टक कीजिए और अब इस एंड को टक कीजिए और ऐसे शेप में आपको आपका मिटन कॉर्नर मिलेगा। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इफ यू लाइक लर्निंग दिस वे डाउनलोड योर पर्सनलाइज्ड ऐप।